मोहतरम जनाब के टी रामाराव साहब, वजीरे बल्दी नज़ो नस्ब OIT, मोहतरम जनाब बलाला साहब मुतालिका रुकन असम्बली, MIM पार्टी और TRS पार्टी के अराकीन बल्दिया व साबिक अराकीन बल्दिया, GHMC के डिप्टी मेयर साहिबा, मौजूद हाजरीन इकराम, मैं वहाँ पर खड़ा था, KT रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में, हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं आज के इस ITEC न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब को, कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर KTR साहब को दिखाए, तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर, इसमें बहुत से मुश्किलात ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। जब यहाँ पर KT रामाराव साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुझसे कि असद भाई बड़ा सीरियस है आप, ज़रा मुस्कुराओ। तो मैं सीरियस इसलिए था कि बरसों पहले मेरी एक दो तीन नौजवानों से और एक नौजवान लड़की भी थी, मुझे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आज से 7 या 8 साल पहले, और बड़ा शिकायत की नहीं बल्कि एक तंजिया तौर पर भी मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप कब तक ओल्ड सिटी में ओल्ड सिटी बात करेंगे ऐसा। मैं उस वक्त वहाँ पर हाईटेक सिटी में किसी एक बड़े एक शादी खाने में वहाँ पर वापस आ रहा था, तो मुझे रोक कर बोले ऐसा कब बनेगा, आप लोग नहीं बनाते क्या ओल्ड सिटी में, आप लोग नहीं बनाना चाहते। तो मेरे को बात दिमाग में रह गई मेरे, मगर आज जब मैं इस चीज़ को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे लिए एक बहुत ही, मैंने समझिए कि मेरे लिए एक बड़ा एक जज्बाती मोमेंट है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े है, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है, ये सिर्फ मलकपेट की आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये दो बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हमारे KT रामाराव साहब के उनके विज़न की मुबारकबाद देता हूँ। और IT सेक्टर में बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि KT रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से
दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को आईटी सेक्टर में, आईटीएस सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अजीज में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में। आप शायद, आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपने चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर सोल सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां रोज़ सुबह में, रात में यहां से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहां पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहां पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विज़न हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वजीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो जरूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफरत पैदा करने वाले हैं। तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज़्यादा हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, थोड़े कमजोरियाँ भी हैं, थोड़े गलतियाँ भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको एक और मौका दें। लोग बोलेंगे कि असद साहब आईटी न्यूक्लियस टावर में भी सियासी बात कर दिए। भाई साहब, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन था और पॉलिटिशियन ही रहूँगा। और आप लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को सुनने आए, कोई साइंटिस्ट को सुनने नहीं आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको हमारे शहर की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जो हम 9 साल से करते आए हैं उसको कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में अल्लाह ने चाहा तो केटी रामाराव साहब को अल्लाह और उनको जिम्मेदारियों से नवाजेगा। मगर हम राम साहब से बोलेंगे, ज़रा आप भी इस पे थोड़ा नज़र रखिए, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनके बड़े बड़े कंपनी से अच्छे ताल्लुकात है। एक फ़ोन पे मैं देखा कई लोगों से बात करते, फर्स्ट नेम बेसिस पे ये बात करते हैं लोगों से। तो ज़रा उनसे आप बात करके बोल दिए तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे ओल्ड सिटी में ये ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं, इससे हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि हमको लोग, यहाँ के बसने वाले लोगों को लोग क्या समझते नहीं मालूम, मगर जब आकर यहाँ पर देखते, महसूस करते, तो उनको मालूम होता कि ये भी इंसानों की बस्ती है जिसमें जज्बाती ज़रूर है, मगर हमारे दिलों में, हमारे सीनों में एक धड़कता दिल है। और हम हर उस अच्छे चीज़ की ताईद करें, और जो हमारे इस इलाके में और शहर को मजबूत किया, यहाँ की आवाम ने उनका साथ दिया है।
तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं के टी रामाराव साहब का, उनकी पूरी टीम का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरपरस्ती, उनका गाइडेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जब कभी भी हमको कोई मुश्किलात पेश आएंगी, राम साहब से हम कह रहे हैं कि हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। मैं आखिर में हमारे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपाउंड में और भी जमीन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब कर सकते तो अब करिए, या नई गवर्नमेंट जब आपकी बन जाएगी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कंपाउंड में एक केजी टू पीजी के लिए आप एक जमीन दीजिए। यहां पर मलकपेट के इस आवाम के लिए एक जीएचएमसी का बड़ा ऑफिस, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, ऐसे चार पांच चीजें अगर एक मरकज पे आ जाएंगी, एक जगह पे, सेंटर पे आ जाएंगी, तो यकीनन मलकपेट के आवाम को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं इनका शुक्रिया इसलिए भी करूंगा क्योंकि आप देखेंगे कि हैदराबाद में जितने पुरानी बौलियां हैं उनका रेस्टोरेशन हुआ है, आप देखिए कि जितने पुरानी कमाने हैं उसका रेस्टोरेशन हुआ है, चौक की मार्केट है उसको नया बनाया जा रहा है, लाल बाजार में फसाड है उसको, फसाड को एक 50 करोड़ से सैंक्शन किया गया है, गुलजार हाउस एक तारीखी गुलजार हाउस है उसको रिस्टोर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए काम हो रहे हैं बल्कि अपनी तारीख को भी बचाया जा रहा है, और मुस्तकबिल की तैयारी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस तरह की इमारत का ख्याम यहां पर चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में किया जा रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राम साहब दिल से। ये मेरे लिए बड़ा प्राउड और जज्बाती मोमेंट है कि हम लोग बरसों से सुनते थे, ताने मारते थे, अरे ऐसा ऐसा, मगर जब ये इन चीजों को हम देखते तो हमारे को एक इत्मीनान होता कि चलो आज हम बुरे सही, मगर कम से कम ये काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये यहां की आवाम को, पुराने शहर की आवाम को बड़ा ही फायदा इससे होगा। और मैं राम साहब से भी हम ये अपील करूंगा कि आप थोड़ा इसमें इन्वॉल्व रहिए, ये आपका चाइल्ड है, दिस अंग्रेजी दिस इज योर चाइल्ड, दिस नीड्स योर नर्चरिंग, योर सपोर्ट, सो दैट इट सीज इट इज कम्प्लीशन हो सके इसमें। और मुझे यकीन है, और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लोगों का साथ दो, ब्लैकमेलर का साथ मत दो, आप जो लोग नफरत पैदा करें उनका साथ मत दो। और आप हमारा रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहां पर राम साहब की हुकूमत है उनका भी आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। मैं बराबर पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं क्योंकि अगर हम सियासत नहीं करें तो कोई और सियासत हैदराबाद से कर देगा। तो हम सियासी आदमी हैं मगर डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बलाला साहब आपके लिए तो माशाल्लाह अल्फाज नहीं है, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बलाला साहब बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत दे। जरा आप भी दुआ करिए कि इनको सेहत के लिए इनकी, क्योंकि एक तो फूकना नहीं छोड़ते, दूसरा खाना नहीं छोड़ते। तो इंसान को फूकना भी छोड़ना चाहिए, खाना भी छोड़ना चाहिए ताकि अच्छा रह सके, क्योंकि अभी जोश है, अभी जवान है, उन्हें कभी बुढ़े नहीं होंगे मेरे को मालूम। तो मैं किस पस मंजर में बोल रहा हूं बलाला साहब को, मेरे को राम साहब को मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम। आप ना हंसेंगे तो उन्होंने आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।